बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद वहां लगातार बड़े पैमाने पर शराब की बरामदी की गई है। इसके शराब कहां से सप्लाई होती है, इसका एक मुख्य लिंक कानपुर से निकला है। कानपुर जीआरपी ने शनिवार की रात में सचिन गुप्ता नाम के जिस आरोपी को 81 बोतल शराब के साथ पकड़ा है, वो सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है। दरअसल बिहार में होने वाली शराब की तस्करी का कानपुर लिंक इससे निकलता है। कानपुर में शराब सस्ती है, बिहार में शराब बंदी है, रास्ता बिजनेस का अपराधियों के लिए खुला हुआ है। तस्करी करके वो शराब यहाँ बिहार के ट्रेनों पर लाते हैं और सीधे सीधे सुबह होते वो शराब बिहार पहुंच जाती है। वहाँ छोटे मोटे स्टेशनों पर दारू उतर करके फिर बिहार की में बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही है। पुलिस बल द्वारा जो है वो मेरी सूचना के आधार पर प्लेटफार्म नंबर 5 से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास एक बैग था तलाशी लेने के पास। उसमें से जो है 81 पाव जो है क्वार्टर जो है अंग्रेजी शराब और ठेके की बरामद हुई है। पूछताछ के पता चला कि ये लोग जो है रेलवे के माध्यम से और ट्रेनों में चढ़ा करके उसको बिहार उसकी भेजते हैं बिक्री के लिए। सर अभियुक्त ने रिंकू करिया का नाम लिया।